इस खिताब में अल्लाह सुबहान मोहब्बत ज़ाहिर हो रही है अह ईमान के तई लिहाजा हम सब का फरीज़ा है और हम सब का लाजमी वाजिबी हक है कि हम अल्लाह रब्बालबीन के इस अम्र की तरफ़ अल्लाह सुबहान तालकम की तरफ तोज्जो करें सबसे पहले मैं इनशाला आज या एह लदी आमनुराने करीब में मुहफ़ स्मानी में जो सबसे पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ है मैं इनशाला उस आयद को आपके सामने रख करके चंद बातें मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा मोहतरम नाजरीन ये जो मुसहफ़ यास्मानी है जिस तरतीब के साथ कुरान करीम हमारे पास मौजूद है हज़रतमानबिन आफ़ान रजी अल्लाह के ज़माने में जिस तरतीब पर साहब कराम का इजमा हुआ उस तरतीब के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले या एहल आमनु का जो ख़िताब है वह सूर बकरा की आयत नंबर एक सौ चार में है अल्लाह रबीन वायत में फरमा यादी आमनु ला तरना वक़ूल वरीनाजाबली इस आयत में अल्लाह व तआला ने या अय्युहल लदीना आमनु कह कर के अल्ला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक हमारे ऊपर क्या है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे अहतराम करना है आपके अदब को कैसे बजा लाना है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के ज़रिए से इन चीज़ों को जिक्र किया है अब देखें अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल लदीना आमनु ए वो लोगो जो ईमान लेकर के आए ए मोमिनो ए मुसलमानो लातकुल रीना कभी भी तुम राय मत कहो वक़ूल जरना बल्किना कहा करो ये असल रायन और अंदरना है क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खिताब करते थे जब भी साहब कराम से कुछ बात करते थे जब भी आप कोई दर्श दिया करते थे जब भी आप कोई तकरीर करते थे या ख़ुतबा देते थे सहाब कर राम रजवानल्ला तला मजमैीन आपके मजरसों में मौजूद होते थे और साहब कराम की यह ख्वाहिहिश होती थी कि अल्लाह के रसूल सल्ह वसलम की एक एक बात को वो सुने एक एक बात को वो समझें ताकि वो लोग बाद की जिंदगी में उस पर अमल कर सकें क्योंकि सहाब कराम को मालूम है कि यही नबी सल्हलम का कलम ही और आपलम का फरमान ही वो चीज़ है जो हमें हिदायत की राह को दिखा सकती है जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि फरमाए की तरक्न तमस्क तुम भी हिमाती कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूं जब तक तुम इन दो चीज़ों को थामे रहोगे कभी भी तुम गुमराह नहीं होगे सबसे पहली चीज़ क्या है अल्लाह की किताब और दूसरी चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तल्लु से सहाबे के बड़े संजीदा रहा करते थे और बड़े ही ग़ौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठ करके के आपके महफिल में बैठ करके के आपके फरमान को सुना करते थे ताकि वो उस पर अमल कर सकें कभी कभार क्या होता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई कोई बात आपको समझ में नहीं आती थी सहाबे कराम में से किसी को तो वो आपसे पूछ लिया करते थे और कहते थे कि रीना या रसूल अल्लाह ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे राइना या रसूल अल्लाह के अयल् के रसूल सल अल्लाह वसलम आप हमारी रियायत करिए आप हमारा ख़्याल रखिए और ये जो आपने जुमला कहा ये जो आपने बात कही थोड़ी और वजाहत के साथ आप बयान कर दीजिए ताकि उसको समझना हमारे लिए आसान हो जाए और समझ करके उस पर अमल करना हमारे लिए आसान हो जाए अल्लाह के रसूल सल असलम उनको वह बात बता दिया करते थे लेकिन यहीं पर मसला ये हुआ कि राइना का जो लफ्ज़ है वो सहाब कराम मुबत माने में इस्तेमाल करते थे पॉजिटिव माने में इस्तेमाल करते थे जैसा कि मैंने माना ज़िक्र किया कि आप हमारा ख्याल रखिए आप हमारी रियायत करिए और आप दोबारा इस जुमले को दोहरा दीजिए दोबारा इस हदीस को बयान कर दीजिए ताकि हम सही से समझ सकें सहाब कराम का मकसद ये होता था लेकिन ये जो राय का जो कलीमा है ये यहूद की जुबान में इबरानी ज़ुबान में एक गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और अब्दुल्ला बिन अबासमा बयान फरमाते हैं इमाम बकीी रही ने दलाइल नबूा में इस असर को जिक्र किया है कि यहूद जो थे वो राइना का जो लफ्ज़ है वो पहले भी बोला करते थे लेकिन अपनी निजी महफिलों में बोला करते थे खलबत में बोला करते थे अहले ईमान के सामने साहब कराम के सामने नहीं बोला करते थे और राइना का जो जुमला है वो बोल करके वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ाक उड़ाते थे लेकिन ये सब खामोशी के साथ होता था बंद कमरों के अंदर होता था निजी महफ़िलों में होता था लेकिन जब मुनाफिक ने जब ये देखा कि सहाबाब के राम राइना या रसूल्लाह का जो लफ्ज़ है या जुमला है वह नबी सल अल वसलम के सामने उन्हीं की मजरस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन लोगों को अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम का मजाक उड़ाने और आपका इसतज़ा करने का एक मौका मिल गया चुनानचे उन्होंने नबी सल्ह वसलम की मजरसों में बैठ कर के भी रायन कहना शुरू किया हालाँकि राइना अरबी ज़ुबान में अलग माना रखता है और इबरानी ज़ुबान जो है यहूदियों की उसमें अलग माना रखता है तो रा यहूद की ज़ुबान में जैसा कि बिन किब्दुल्ला बिना सदी तमुमा ने फरमाया कि सब्बतुम बिलोतिल यहूद यहूद की जुबान में गाली के तौर पर इस्तेमाल होता था तो उन लोगों ने महफिल में बैठ करके राइना राइना कहना शुरू किया और राइना जब बोलते थे सब आपस में एक दूसरे को देख करके हंसा करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करते थे अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उस बारे में पता नहीं है क्योंकि आपको इब्रानी जुबान का इल्म नहीं था आम सहाबे क्राम को भी पता नहीं था कि ये यहूद राइना बोल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन अगर किसी को पता हो ना पता हो अल्लाह व तआला को ज़रूर पता होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इस्तेहज़ा को बंद कराने के लिए और इसको रोकने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत नाजिल फरमाई जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की सूरह बकरा की आयत नंबर एक सौ चार और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे के नाम को कह करके उनको रोका कहा या यादी आमन ऐ वो लोगो जो ईमान लेकर के आए लातकुल रायना अब तुम रायना मत कहना वक़ूल दुरना बल्कि रायना की जगह पर तुम दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करो उन दुरना का लफ्ज़ इस्तेमाल करो उन जरना कमाना भी होता है कि आप हमारी हालत को देखें आप देखें कि हम क्या चाहते हैं आप हमारी रियायत करें उन दुरना कमाना भी वो होता है रायना कमाना भी वही होता है लेकिन राय के लफ्ज़ में एक दूसरा अहतमाल है जिसका गलत इस्तेमाल यहूद किया करते थे अल्लाह अब्लाविन को यह बात भी पसंद नहीं है कि ऐसे अल्फाज से नबी को ख़िताब किया जाए ऐसे अल्फाज नबी के लिए बोले जाए जो अल्फाज दो मानी रखते हों एक मुस्बत माना भी हो और एक मनफी माना भी हो अल्ला सुबहाना माली को ये भी कतअन पसंद नहीं है चुनाश अल्लाह रब्लाबी ने अहल ईमान को ही मना कर दिया कि तुम लोग ही मत बोला करो क्योंकि तुम्हारे बोलने की वजह से उनको मौका मिल रहा है जैसा कि मैंने ज़िक्र किया यहूद अपनी निजी महफिलों में पहले बोला करते थे जैसा कि किब्दुल्ला बिन अब्बास रजी सरदी तारुमा का असर है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं बोलते थे पर जब उन्होंने देखा कि शुरू किया तो फिर उन्होंने भी बोलना शुरू किया और फिर इस्तेहज़ा करने ने वो रायना जो ईमान लेकर के रायना मत कहो वक़ूल बल्कि बल्किना कहा करो और साथ ही अल्लाह ने एक अहम हुक्म भी दिया और वो क्या था वो ये कि ताला ने फरमाया वसम और ग़ौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुना करो इस तरह से ग़ौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनो कि दोहराने की जरूरत ही ना पड़े दोबारा मुतालबा करने की जरूरत ही ना पड़े कि आप हमें दोबारा बता दें वसम आप सुनो सहबे कराम पूरी तवज्जो के साथ सुनते थे लेकिन कभी कभार कोई जुमला मिस हो जाता था कोई लफ्ज़ मिस हो जाता था तो उस पर रायन कहा करते थे तो अल्लाह अल्ला ने उनको तमबी की कि वसमा देखो गौर से सुनने की कोशिश करो ताकि रुजरना कहने का झगड़ा ही खत्म हो जाए आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े चुनाचे साहब कराम रिजानल तल मजमी बहुत गौर से सुना करते थे वहीं पर मुनाफिक का क्या मामला था वो लोग जब नबी सल वसलम की मजरिसों में होते थे तो वो लोग गौर से नहीं सुनते थे बल्कि सुनते थे या तो समझने की कोशिश नहीं करते थे या समझ जाते थे तो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया करते थे जैसा कि अल्लाह आलमीन ने सूरह मोहम्मद में बयान फरमाया फरमायास्तमई और मुनाफिक में से कुछ ऐसे हैं जो आपके पास बैठ करके आपकी बात सुनते हैं मिन खराज लेकिन जब वो आपकी मजलिस से उठ करके निकल जाते हैं आपके पास से निकल जाते हैं कल ऊतल माजाकाल आनीफ़ा तो निकलने के बाद वो सहाब कराम जिनको इल्म दिया गया है उनसे पूछते हैं कि मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने अभी क्या कहा है मा जा कल आनीफ़ा उन्होंने अभी क्या कहा यानी वो भी मजलिस में मौजूद थे लेकिन गौर से ना सुनने की वजह से उनको वो बातें याद नहीं रहती थी या तो वो बातें समझ में आ भी जाती थी फिर भी नबी सल्ला वसम की बात का मजाक उड़ाने के लिए कहा करते थे मा जला आनीफ़ा इन्होंने अभी क्या कहा अल्लाह ने फरमाएकदी तब अल्लाब ही मतबा अल्लाह सुबह ने इनके दिलों पर मुहर लगा दी है और ये अपने ख्वाहिशात के पैरोकार हैं तो मुनाफिकीन का यह तरस अमल होता था इसलिए अल्लाह रबिला ने फरमाया कि वसमाऊ एहबा ए ईमान वालों गौर से सुनो ताकि और रहा कहने का मामला भी पेश ना आए आगे अल्लाह ने क्या फरमाया वलिल काफी अजाबनलीब और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ब हैं और यहाँ पर काफिर से मुराद वो मुनाफिकीन हैं जो नबी सल्ह वसल्लम का इसहजा करते हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं और अहले ईमान का और अहले इल्म का इस बात पर इजमा है कि अगर कोई शख्स महम्मद सल्ह वसल्लम का मजाक उड़ाए आपकी लाई हुई शरीयत का मजाक उड़ाए कुरान करीम का मजाक उड़ाए दीन से जुड़ी हुई किसी भी बात का हती किबे ग्राम का भी अगर मजाक उड़ाए तो वो शख्स दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है काफिर हो जाता है अल्लाह रबी ने जैसा कि मुनाफिकीन ने जब मजाक उड़ाया सहाबिक्राम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कुल्लाबी सह दें क्या अल्लाह उसकी आयतें और उसका रसूल ही तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए मिले हैं ला तहाने मत बनाओ कद का तुम बद ईमान जब उन लोगों ने सहाबिक्राम का मजाक उड़ाया था बहाने बनाना शुरू किया था ये कहने लगे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बस सफ़र की थकान को दूर करने के लिए इस तरह की बातें बोल रहे थे बस ऐसे ही मन बहलाने के लिए दिल बहलाने के लिए ऐसी बातें बोल रहे थे तो अल्लाह रबालबी ने क्या फरमाया कि अल्लाह उसकी आयतें और उसका रसूल ही तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए मिले ला बहाने मत बनाओ कद कफर तुम बद तुमने ईमान जो जाहिर किया था अब तुमने वाज तौर पर कुफ्र कर दिया तो अल्लाह अबूालबी ने कद कफर तुम कहाफ्र कर दिया यानी जो भी शख्स शरीत का मजाक उड़ाए सहाब वगैरह का मजाक उड़ाए वो काफ़िर इसमिल ने फरया वाल फ़रीन आजाबन अलीम ऐसे काफिरों के लिए दर्दनाक आदाब है महतरम नाज्रीन इस आयत पर जब हमने गौर किया इस आ आ आयत के शान नजूल को जब हमने समझा इस आयत का माना और मफहूम जब हमने समझा तो इससे कई बातें हमें खुल करके मालूम होती हैं सबसे पहली चीज़ ये कि नबी सली वसलम का हमें अहतराम करना है और कोई भी ऐसा लफ्ज़ या कोई भी ऐसा जुमला नहीं बोलना है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा हो आपकी शान में तनखीस हो आपकी शान को जो आपका हक है उससे घटा करके दिखाया जाए ऐसा कोई भी लफ्ज़ और ऐसा कोई भी जुमला इस्तेमाल नहीं करना है और ये जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटा करके हो सकता है वही दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु वसल्लम की शान में सबालगा करने के साथ भी हो सकता है इसलिए अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया इब्न मरियम के ऐ लोगों तुम मेरी जात में उस तरह से मुबालगा मत किया करो जिस तरह से नसारा ने हजरत ईसा बिन मरियम अली हिम सलाम की ज़ात में मुबालगा किया अना ना अब फकुल अब रसूल में एक बंदा हूँ लिहाज़ा अगर तुम्हें मुखातब करना है कुछ कहना है तो कहा करो कि अल्लाह का बंदा और उसका रसूल महमदन अब्दुल्ला ही व रसूल हूँ ये कहा करो ला तो तरूनी कभी भी मेरी शान में मुबालगा मत करो तो नबी सल्ला वसल्लम की शान में तनखीस या आप सलात वसलाम की शान में गुस्ताखी जहाँ आप शान को घटा करके है वहीं आपकी शान को बुलंद करके भी है लिहाजा नबी सल्ला वसल्म की शान का अहतराम करना है और आपकी इज्ज़त करनी है कोई भी ऐसा लफ्ज़ हमें अपनी जुबान से अदा नहीं करना है जो लफ्ज़ नबी वसल्लम की शान को घटाने वाला हो उसी के मिसालों में से एक मिसाल मुझे याद आ रही है कि जैसे आज के ज़माने में लोग हबीब कहा करते हैं अल्लाह के हबीब नबी वसल्लम को जब याद करते हैं आपका जब जिक्र आता है तो अल्लाह के हबीब कहा करते हैं हालांकि अगर हम कर्न करीब में देखें और अहादीस में देखें तो अल्लाह रब्बी ने नबी जनाब महम्मदरसूल सल्हलम के लिए कहीं भी हबीब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया ये नहीं कहा कि मोहम्मद अल्लाह के हबीब हैं बल्कि हदीस में हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खलील कहा है जैसा कि नबी सला ने फरमाया कि कद तखली खलीलन कम तखद इब्राहीम खलीला अल्लाह व तआला ने मुझे वैसे ही खलील बनाया है जैसा कि हत इब्राहिम को खलील बनाया अब खलील और हबीब अगर आप दोनों में गौर करें तो दोनों में बहुत फ़र्क है खलील ऐसा महबूब जिसकी जात से मोहब्बत की जाती और ये खुल्लत जो है ये हबीब की मोहब्बत से ज्यादा ऊंची है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की खलील कहना चाहिए अल्लाह आलमीन ने आपको खलील बनाया आपको हबीबी क्यों कहा जाए हालांकि लोग मोहब्बत में कहते हैं मैं उनके ऊपर हुक्म नहीं लगाता हूँ लोग मोहब्बत में आप अलैहि वसल्लम के अल्लाह के हबीब कहा करते हैं लेकिन थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो अल्लाह का हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहना यह आपकी शान में कही न कहीं ना कहीं तनकीस ज़रूर है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आपको खलील बनाया है तो हमें खलील कहना चाहिए हम हबीब पर क्यों टिके तो लिहाजा जितने भी अल्फाज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल करें हमें ग़ौर करना चाहिए कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा तो नहीं हो रहा है कहीं आप अलैहि सल्लत व सलाम के शान में गुस्ताखी तो नहीं हो रही है कहीं आपके शान में तनखीज़ तो नहीं हो रही कहीं आपके शान में मुबालगा तो नहीं हो रहा है सबसे पहली चीज़ हमें इस आयत से ये पता चलती है मोहतरम नाजरी दूसरी जो अहम बात हमें इस आयत से पता चलती है वो ये कि ऐसे जुमले या ऐसे अलफाज हमें इस्तेमाल करने से बचना चाहिए जो महतवल जुमले हों जिनका एक मुसबत माना भी पाया जाए और जिनका एक मनफी माना भी पाया जाए हम अगर उन अलफ़ा को इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि हम किसी दूसरे शख़्स के लिए कोई मौका फराहम कर रहे हों ग़लती करने का अल्लाह रबुलबी ने इसी वजह से अहले ईमान को क्या कहा लातुल रीना वक़ूल अंदुरना कि अहबा आप रीना मत कहो आक़ुनंदुरना कहा करो ताकि आप अपनी तरफ से कोई ऐसा लफ्ज़ या कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल करके जो डबल मीनिंग रखता है जो महत्मल मानी रखता है आप दूसरों के लिए मौका पैदा ना करो तो इसलिए हमें कुरान करीम के बारे में बात करते हुए शरीयत के बारे में बात करते हुए अल्लाह के बारे में बात करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि हम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं हम जो जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं वो जुमले ठीक ठाक हैं या ठीक ठाक नहीं हैं कहीं उसमें तनखीज़ का माना तो नहीं पाया जा रहा है हमें इस तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए इस आए से एक अहम बात ये भी पता चलती है कि देखें अल्लाह व तआला ने अमल पर भी जोर दिया हमारे यहाँ कहा जाता है कि नीयत अगर सही है तो सारे अमाल सही हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उस हदीस में हमारे अमल को भी देखने की बात कही गई है और हमारे नीयतों को भी देखने की बात कही गई है सही मुस्लिम के मशहूर रिवायत हैं अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह सुबहान तैाल तुम्हारे जिसमों को नहीं देखता अल्लाह सुबहान तै तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता अल्लाह रब्लिन अगर किसी चीज़ को देखता है तो वो तुम्हारे दिलों को देखता है और अल्लाह सुबहान तुम्हारे अमाल को भी देखता है तो अल्लाह रबी नीयतों को भी देखता है और साथ ही साथ अल्लाह अमल को भी देखता है यानी इससे मालूम ये हुआ कि हम जो अमल कर रहे हैं वो अमल अपने आप में ठीक होना चाहिए दुरुस्त होना चाहिए अमल के ठीक होने या अमल के ठीक ना होने का दार मदार नीयतों पर नहीं इन बिन नियत जो कहा गया नबी रि सलाम ने फरमाया कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है तो अमाल का दार मदार नीतों पर है का माना क्या है कि अमाल की कबूलीत का दार मदार नीयतों पर है आप अखलास के साथ आप अमल करेंगे अल्लाह रब्लिन आपके उस अमल को कबूल ले करेगा लेकिन अमाल के सही होने का या अमाल के गलत होने का दार मदार नीतों पर है ऐसा नहीं ये बात मैं इसलिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ क्योंकि आज के जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारी नीयत साफ़ है जब हमारी नीयत साफ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं लोगों को ये कहा जाए कि खासतौर पर ख़वातीन को अगर ये कहा जाए कि आप बुरका पहन करके बाहर निकलो तो उनकी जानिब से जवाब आता है कि हमारी नीयत साफ़ है मर्दों को जब ये कहा जाए कि आप अपनी निगाहों की हिफाजत करो अपनी निगाहों को नीची करके चला करो तो उनकी जानिब से ये जवाब आता है कि हमारी नीयत साफ़ है तो मेरे भाई मोहतरम नाजरीन कभी भी नीयतों के साफ होने से आपका अमल दुरुस्त हो जाए ऐसा नहीं होता यहाँ पर आप देखें साहब कराम जब रायना कहते थे तो उनकी नीयत साफ थी या नहीं थी और अमल भी बिल्कुल साफ था लेकिन उनकी नीयत के साफ होने का इसमें नहीं किया गया बल्कि उनको ये कहा गया कि आप राइना क्यों चेंज करो राइना की जगह पर आप क्या कहो अंदर ना कहो तो अल्लाह सुबहान तरह से जब साहब कराम को खिताब किया कि उनकी नीयतों को अल्लाह रब्बी ने मैाररार नहीं दिया कि आपकी नीत दुरुस्त है तो आपका अमल दुरुस्त है बल्कि उनकी नीयत दुरुस्त थी लेकिन उसके बावजूद अमल दुरुस्त करने को कहा यह कहा कि रायना की जगह पर आप हम कहा करो इसी तरह से तीसरी और अहम बात हमें इस आयत से जो पता चलती है वो वे है कि अल्लाह रबुलाबी ने जो फरमाया वमा और सुना करो तो हम सब के ऊपर ज़रूरी है हम सब के लिए लाजिम है कि हम नबी सल्ह वसलम की बात को गौर से सुने आपके अदादी को ग़ौर से सुने आपकी अदादी पर हम अमल करने की कोशिश करें क्योंकि नबी सलील वसम की बातें हमारे लिए रिश्तों हिदायत का ज़रिया हैं अदीस हमारे लिए हिदायत का जामिन है लिहाजा जब भी खुतबों में जब कोई हदीस पढ़ी जाए दुरूस में कोई हदीस पढ़ी जाए तो हमें उसको ग़ौर से सुनना चाहिए कान लगा करके सुनना चाहिए एक एक हदीस का खवाहा होना चाहिए एक एक हदीस का हदीस होना चाहिए एक एक हदीस को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन उसके बरक्स हम ये देखते हैं कि मसाजिद में जो दुरूस होते हैं लोग उन दरूस में बैठ कर के पाँच मिनट के अंदर दस मिनट के अंदर एक हदीस सुनना भी गवारा नहीं करते इधर इमाम साहब नमाज पढ़ाने के बाद दर्ज के लिए अपनी किताब को आगे बढ़ाते हैं अपने मेज़ को आगे बढ़ाते हैं वहाँ दूसरी तरफ़ सारे लोग उठ उठ करके जाने लगते हैं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी सुनना गवारा नहीं करते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया गौर से सुना करो क्योंकि इसी में हमारे लिए हिदायत अगर हम हदीस नहीं सुनेंगे हमारे पास इल्म कहाँ से आएगा हम कहां से सुन्नत के हामी और नासिर बनेंगे हम कहां से सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले बनेंगे लिहाजा आप देखें अल्लाह आलमीन ने या यादी आमनु कह करके हमें बहुत अहम खिताबात से नवाजा और बहुत अहम अहकाम दिए सबसे पहला हुक्म ये दिया कि नबी जाए उनका अहतराम किया जाए साथ में ये हुक्म भी दिया गया कि ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमलों को कहने से बचा जाए जो जुमले मुहतमल हों अच्छे मानी के भी और गलत मानी के भी और साथ ही साथ नबी सल्हु वसम की बात को हमें ग़ौर से सुनने का हुक्म दिया गया मोहतरम नाज्रीन हम दूसरे खिताब की तरफ बढ़ते हैं सुर बकर में ही दूसरा खिताब है अल्लाह रबी ने फरमाया यादी आमस्तीन बिसबरी वसलासाबरीन ये दूसरा खिताब है मुसहफ़ ओसमानी जो हमारे पास मौजूद है उस तरतीब के लिहाज से इस खिताब में अल्लाह रबाबी ने क्या फरमाया आइए हम देखते हैं अल्लाह ने फरमाया लदीन आमु ए वो लोगों जो ईमान ले करके आए इस तयीन बिसबरी वसलासाबरीन सब्र के जरिए और नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद तलब करूँ अल्लाह की मदद को हासिल करूँ इन मबरीन अल्लाह सुबहान तब्र करने वालों के साथ हैं यहाँ अल्लाह रब्लबी ने दो चीज़ों के ज़रिए से अपने कामों को आसान बनाने का हुक्म दिया है सबसे पहली चीज़ क्या है सब्र और दूसरी चीज़ क्या है सलाह नमाज ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको अल्लाह रब्लबी ने एक साथ जोड़ा एक साथ ज़िक्र किया और उनको एक साथ ज़िक्र करके एक अहम काम के लिए हमारी रहनमाई फरमाई और वो क्या है इस्तेानत हम कोई भी काम करते हैं हम कोई भी कदम उठाते हैं उसमें अल्लाह रब्बीन की मदद चाहिए होती है जब तक अल्लाह सुबह न की मदद शामिल हाल ना हो कोई भी काम बसानी नहीं हो सकता कोई भी काम पाए तकमील को नहीं पहुँच सकता अल्लाह रब्बालबीन की मदद ये हमारे लिए कामों को मुकम्मल करने का बहुत बड़ा जरिया बनती है इसी वजह से जब हम सुर फातिहा पढ़ते हैं नमाज की हर रकात में तो उसमें हम क्या कहते हैं किया कना अबूदू कि आय وتعالى, हम तेरी ही करते हैं। और हम तुझसे ही सुबह तो की मदद के बगैर कोई काम नहीं हो सकता अल्लाह रबीन ने कहा कि अल्लाह से मदद करने का माना क्या है कि आप दो चीज़ें करो एक सब्रखतियार करो और दूसरी चीज नमाज की पाबंदी करो अल्लाह सुबह तमाम को आसान कर देगा सब्र इसके ज़रिए से कैसे मदद हासिल होगी सब्र तीन चीज़ों को कहा जाता है या सब्र की तीन किस्में हैं असब्र अला तोअतिल्ला असब्र अन मासियतिल्ला असब्र अला नवाजिली वल मसाइब अल्लाह सुबहानहु व तआला की इताअत पर सब्र करना सब्र का लुगवी माना होता है हबसुन नफ्स नफ़्स को रोक देना किसी चीज़ पर हम अपने नफ्स को रोक दें यह सब्र का लघवी माना होता है तो असब्र अति ये सब्र की पहली किस्म है कि अल्लाह रब्लबीन की इताआत पर अपने आप को रोक देना आप देखें अगर हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो अगर हम अपने नफ्स को कंट्रोल में ना रखें अपने नफ्स को हम नमाज के साथ ना जोड़ करके रखें तो कभी भी हम नमाज नहीं पढ़ सकते जितनी भी इबादतें हैं जितने भी इताआत के काम हैं उन तमाम इताआत के कामों में सब्र लाजमी है अगर आपको अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं है तो आप एक मिनट के लिए भी अल्लाह सुबहाना तारा की तात नहीं कर सकते आपको असकार करना है आपको सब्र की ज़रूरत है कुरान करीम की तिलावत करना है आपको सब्र की जरूरत है दरूस और इलमी महाजरात सुनने हैं आपको सब्र की जरूरत है जिहाद करना है आपको सब्र की ज़रूरत है जिहाद करना है आपको सब्र की जरूरत है रमजानुल मुबारक के रोज़े रखने हैं आपको सब्र की ज़रूरत है जितनी भी इताते हैं तमाम इताएतों में अल्लाह रब्लिन के साथ सब्र करना अल्लाह रब्लबीन के अहकाम पर सब्र करना यह हमारे लिए ज़रूरी यह पहली किस्म है सब्र की सब्र की जो दूसरी किस्म है सब्रमा असीयत ला की नाफरमानी से अपने आप को रोक लेना अपने नफ़्स को कंट्रोल करना कि नफ्स अल्लाह रबालबीन की, की नाफरमानी ना कर पाए ये सब्र की दूसरी कस्म है आप देखें कि दुनिया के अंदर जितने भी गुनाह हैं जितने भी मासी हैं जितनी भी नाफ़रमानियाँ हैं उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमें सब्र की ज़रूरत है अगर हमारे पास सब्र ना हो तो हम चोरी से ना बचें अगर हमारे पास सब्र ना हो तो हम जना से ना बचें अगर हमारे पास सब्र ना हो तो हम झूठ से ना बचें अगर हमारे पास सब्र ना हो तो हम कतलु खुरेजी से ना बचें जितने भी गुनाह हैं तमाम गुनाहों से बचने के लिए सब्र जरूरी है सब्र की जो तीसरी किस्म है नवाजिलब मुसीबतों के ऊपर सब्र करना अल्लाह सुबहाना तआला की जानिब से जो आफतें आती हैं उन आफतों पर सब्र करना और ये जो सब्र है इस सब्र के ज़रिए से भी अल्लाह व तआला की मदद तलब की जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया या अय्युहल फरमायादी आनु बब्री वसला ऐ ईमान वालों सब्र के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद तलब करो और नमाज के ज़रिए से अल्लाह व तआला की मदद तलब करो इनशा इस टॉपिक को और इस आयत की तफसीर को मैं आगे के एपिसोड में मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से इसतवा के साथ कि आलमीन तो हम सब को या यूह लदीन आमनु के साथ जो हम खिताब सुन रहे हैं उन तमाम खिताबात के अहकाम पर अमल करने की तोफ़ी अदाफरमा और मनहिया से इजतनाब करने की तोफ़ी अदाफरमा इलाबीन क़ुरान करीम की मोहब्बत और अजमत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा आमीन व आखिरदबाना अदीदुल्ल रबालमीन वसलम आलकम व ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें